आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। चलो ग्रेट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। डेल्टा जी डेल्टा ये सारी चीजें पूछा जा रहा है। ग्लूकोज इज द मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ सेलुलोज पॉलीमर। ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज इन द फ्री एनर्जी टोटल एनर्जी एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली आर रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ सेलुलोज पॉलीमर। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फॉर्मूला याद है फॉर्मूला? अब यहाँ पे सिर्फ केस यही बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, हमेशा जब कहते हैं कभी कभी कुछ प्रोसेस में यहाँ पे एंजाइम की जरूरत होती है। डेल्टा जी जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव, डेल्टा जी जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो इसको पॉजिटिव हमेशा रखने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस निगेटिव होना चाहिए, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ रहा है? सो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू निगेटिव होगी। क्लियर है? सो आंसर शुड बी डी। ओके, नाउ आप देखने की कोशिश करना प्योर शॉर्ट कंफर्मेशन। अब देखिएगा क्या कि कई सारी चीजें जो होती हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में म्यूटेशन ऑफ द अल्ट्रा बाइथोरिक्स विच डिफाइंस द थर्ड सेगमेंट ऑफ द थोरिक्स और T3 लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फोर विंग फ्लाइज एज द हाल्टर्स हाल्टर्स द डेवलप इनटू द सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफिनोटाइप ऑफ इन द फ्लाई विल रिजल्ट द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द अल्ट्रा बाइथोरिक्स। अगर अल्ट्रा बाइथोरिक्स के सेकंड थोरिक सेगमेंट्स में उसको हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाने वाला जी? इसके बाद क्या हो जाता है कि ये अभी टू विंग्स में जा रहा था सेकेंड पेयर में, तो ये फोर हाल्टर्स के साथ फ्लाई करेगा, फ्लाइज विद द फोर हाल्टर्स। ठीक है जी, UBX का ओवर एक्सप्रेशन फोर हाल्टर्स, क्या बात है। चलिए आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस है तो पीएच मोर देन 7 होगा क्या? इट्स द एसिडोसिस, नाम है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस इंक्रीज द रेट ऑफ वेंटिलेशन एंड इसका सीधा सा मतलब होता है दैट इज व्हाट द इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है ब्लड में ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में होता है तो ये क्या करता है, ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा, ये बनाएगा H2CO3, ये फिर टूटता है HCO3- + H+ में। तो ये H+ कौन बढ़ाता है? CO2 बढ़ाता है, रिलेट करके बताया गया था। तो ये आपका क्या है H+, H+ जो होता है यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है? CO2 बढ़ा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होता है। कैन बी कंपनसेटेड थ्रू द रिडक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट लेवल इन द प्लाज्मा। ये कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन कैसे रिड्यूस करोगे बाइकार्बोनेट को? बाइकार्बोनेट को रिड्यूस कैसे करोगे? ये तो CO2 से बनता है ना, बाइकार्बोनेट तो इसको खुद यूज करता है, इसको रिड्यूस करोगे? अगर आप इसको सोचो कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होता है कि बाइकार्बोनेट जो बनता है आयन, बाइकार्बोनेट ही तो H+ को यूज करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर बाइकार्बोनेट को रिड्यूस कर दोगे तो ये और कम हो जाने वाला, तो ये प्रोसेस जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ भागेगा। फॉरवर्ड और रिएक्शन का पता है कि जब आपको इसको रिड्यूस करोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगा, तेजी से भागेगा और HCO3 बनाएगा तो और H+ बनेगा, तो उससे आप ये एसिडोसिस को कंपनसेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन, कहां कहां पे क्या पाया जाता है। क्लैथरीन तो देखते ही पता चल जाएगा, ट्यूबुलिन देखते ही पता चल जाना चाहिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज देखते ही पता चल जाना चाहिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा सीधा। क्लैथरीन कहां पाया जाएगा? क्लैथरीन कोडेड जो होते हैं वो कहां पे पाए जाएंगे? वो वेसिकल्स पे पाए जाएंगे। क्लैथरीन कोडेड्स के बारे में बात करता हूं तो दे फाउंड इन द वेसिकल्स, जो वेसिकल्स बनते हैं। उसके बाद आता है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज जो कि पाया जाता है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशंस।
ठीक है, तो आ तो गया, मैच कर लो। पहले का थर्ड कहाँ पे, पहले का थर्ड इस ऑप्शन में है, सेकंड का फोर्थ किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में आ गया आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड का जो होगा फर्स्ट होगा, ये आ गया फोर्थ का सेकंड। क्लियर है जी? नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस फ्रॉम द ड्रोसोफिला ओसाइट वॉज ट्रांसप्लांटेड इन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अनदर ओसाइट। क्या किया हमने कि न्यूक्लियस ड्रोसोफिला का जो ड्रोसोफिला ओसाइट से एक न्यूक्लियस लिया एंड इसको ट्रांसप्लांट कर दिया इंटीरियर पार्ट ऑफ अनदर ओसाइट एट अ रीजन अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, जहां पे कि एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियस है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में इसको इम्प्लांट कर दिया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप विल डेवलप द एग्स, क्या होगा? तो जब आप दो न्यूक्लियस को कर दोगे तो इस केस में क्या आता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन, जब आप इसको एक इस तरीके से था, यहां पे क्या किया कि एक इसका न्यूक्लियस उठाया और एक जो आपका ओ साइड था जहां पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट था इसके अपोजिट साइड में इम्प्लांट कर दिया। ये दो न्यूक्लियस था आपके, जब आप इसको ग्रो कराएंगे तो क्या कौन सा एक बनेगा, एक डॉर्सलाइज्ड एक बनेगा जिसके पास फोर डॉर्सल अपेंडिसेस होंगे। ये क्या करेगा, डॉर्सल एक बनाएगा, डॉर्सल एक बनाएगा जिसके पास फोर डॉर्सल अपेंडिसेस होंगे, दैट इज व्हाट द डी ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बता दो कि कौन कहां कहां पे होता है। जेलीफिश, ट्राइकिनेला, टेपवर्म, अर्थवर्म। वीवी पैरस की बात करते हैं, वीवी पैरस मतलब जो कि डायरेक्ट लाइव चीजों को जन्म दे रहे हैं, इनमें से लाइव कौन जन्म देता है, लाइव वीवी पैरस कौन होगा? अगर लाइव वीवी पैरस और ओवी पैरस तो पता है ना, वोवी पैरस का मतलब होता है पहले वो क्या करेंगे, वो ओव्यूल का रिलीज, वहां पे ओवम या स्पर्म का रिलीज होगा, डायरेक्ट बर्थ का फॉर्मेशन नहीं करते, वो फर्टिलाइज करते हैं, जायगोट करते हैं, फिर वो चीजें होती है। ट्राइकिनेला जो होता है, ट्राइकिनेला फॉर्म्स ये होता है, ठीक है, ट्राइकिनेला जो होता है वीवी पैरस पे फॉर्म होता है। लेट्रल हर्ट के बारे में बात करते हैं, लेट्रल हर्ट के बारे में जब बात करेंगे, सो लेट्रल हर्ट जनरली क्या होता है, लेट्रल हर्ट, ठीक है, ट्राइकिनेला जो होगा वो वीवी पैरस होता है। लेटरल हर्ट के बारे में जब हम बात करेंगे सो दैट विल एग्जैक्टली कि वो होता है अर्थवर्म में, जहां पे लेटरल हर्ट पाया जाता है, ठीक है, लेटरल हर्ट जो होता है अर्थवर्म में पाया जाता है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिश के पास माइक्रोविलाई पाए जाएंगे सर्फेस पे, या टेपवर्म के पास पाए जाएंगे। जेली फिश जो होता है, अगर मैं बात करता हूं तो जेली फिश ल्यूमिनेसेंस के लिए यूज होता है, जेलीफिश ल्यूमिनेसेंस के लिए यूज होता है, और टेपवर्म के पास माइक्रोविलाई पाया जाता है। ठीक है, फाइन, ये इस तरीके से मैच होगा, द आंसर विल बी शुड बी द सी, सो सी होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन किस में क्या पाया जाता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो। कुछ और क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिकल डार्विनियन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे देखना, हमेशा नॉट पूछा है, नॉट का हमेशा ध्यान रखना, कहीं नॉट तो नहीं पूछा। तो क्या होता है कि ट्रेट विच इज कॉन्स्टेंटली यूज विल गेट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। नेचुरल सिलेक्शन में जो कि कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये डार्विनियन थ्योरी है या ये आपका कौन सा थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी है जो कांस्टेंट यूज होगा? लैमार्क का थ्योरी है जी, बिल्कुल, दिस इज व्हाट द लैमार्क थ्योरी। ये लैमार्क की थ्योरी है कि जो कांस्टेंट, अगर आपके बात करें सो लैमार्क थ्योरी है जिसमें कि ये किया जाता है कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो बार बार यूज करोगे वो इनहेरिट होगा, ये लैमार्क बोलते हैं। तो यही वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आप रीड कर सकते हो, फिनोटिपिक वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन में, बेस्ट फिट होते हैं, ये आपका कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, रैंडमली एक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आपका किससे आया हुआ है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से। मैंने हमेशा सॉरी बर्थ रेट से क्वेश्चन आया, इकोलॉजी हैविंग द बर्थ रेट 200 एंड मॉर्टेलिटी रेट 50, बर्थ रेट जो है वो 200 है एंड मोर्टेलिटी रेट है 50, द इनिशियल पॉपुलेशन साइज इज 4000, आफ्टर टू इयर्स
ऑफ द नॉन इंटर कहते हैं नॉट इंटरफेयर्ड ब्रीडिंग ऑफ द फाइनल पॉपुलेशन साइज। अगर 2 साल बाद उसमें कोई ब्रीडिंग में इंटरफेरेंस नहीं हुआ है तो फाइनल पॉपुलेशन साइज क्या होगा, ठीक है। सो इसको देखने की कोशिश करना कि क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो बर्थ रेट है दैट इज व्हाट द बर्थ रेट जो है वो 200 दिया हुआ है, डेथ रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 50। उसके बाद इनिशियल पॉपुलेशन साइज जो दिया हुआ था वो था 4000 एंड जो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ये देखने की कोशिश करिए कि क्या हो जाएगा। पर ईयर इन्होंने ये दिया हुआ 250, ये बर्थ रेट है पर ईयर और ये है पर ईयर। ये टोटल आपको ग्रोथ रेट, नेट ग्रोथ रेट जो होता है, नेट ग्रोथ रेट कितना होता है जी, नेट ग्रोथ रेट दैट इज आर इज इक्वल टू बी माइनस डी होता है। बी माइनस डी होती है जहां पे कि अगर आर बी माइनस डी है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं बी माइनस डी तो 200 माइनस 50 दैट इज व्हाट द 150 पर ईयर, ये होता है नेट ग्रोथ रेट। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है अगर याद करो, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी, ये एक फॉर्मूला होता है बताया गया था। या आप इसको ई के पावर में नहीं रखना तो आप इसको लॉग के फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। वो क्या हो जाता है कि एन इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप इसको रखोगे लॉग के फॉर्म में भी रख सकते हो, ई के फॉर्म में भी रख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। मैं यहां रख रहा हूं 4000 इंटू ई आर की कितना आ रहा जी, चलो कोई बता रहा है व्हाट शुड बी द आंसर, 1.9 आ रहा है, 1.9 आ रहा है, ग्रेट। तो उसको जरा सा इसमें मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा, 2 70। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मैं भी देखता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हार्डी विनबर्ग का एक इक्वेशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं उसको देखता हूँ कि वो उसमें क्या लग रहा है, जो आंसर उन्होंने रेंज दिया हुआ है उसमें रेंज में आएगा नहीं। 1.9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 36 के आसपास जाएगा, 76 के आसपास, ठीक है। नो, अब देखना एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है, उसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। वो उस तरीके से कुछ कुछ ना कुछ उसमें है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें आंसर या तो दिक्कत की बात होगी या तो 76 एग्जैक्टली वो 76 के आसपास आएगा जो कि नहीं आएगा। ओके, बी माइनस पर कैपिटा रेट होगा बर्थ एंड डेथ, ठीक है जी। मैं देख लेता हूँ अभी, उसको सॉल्व कर देता हूँ, पर कैपिटा से भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाकी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एक्स को फिनिश कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए जी, मैं समझ गया, वो 200 डिवाइडेड बाई वही होगा, पर कैपिटा के हिसाब से इसको लेना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे 200 4000 माइनस 50 अपॉन 4000, ये जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेट के हिसाब से एग्जैक्टली आपने वो नंबर दिया है, उन्होंने नंबर को रेट के हिसाब से एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द, हमने क्या किया कि बर्थ रेट 200 मोर्टलिटी पर कैपिटा के हिसाब से जब जाएंगे तो ये आना चाहिए, क्या ये आ जाना चाहिए 1/20, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/80 माइनस 1/80 के बारे में इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 80, और इसको सॉल्व करेंगे सो दैट शुड बी व्हाट 4 माइनस 1 दैट इज द 3/80 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एग्जैक्टली नेट ग्रोथ रेट ये आने वाला है, ठीक है। नेट ग्रोथ रेट जो आएगा वो आपका ये आएगा, कितना आ जाएगा 3/80 कितना आना चाहिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.7
समथिंग आना चाहिए, 0.0375 के बारे में बात करते हैं. रेट्स ओके, तो उसके बाद अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए. जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हो 2 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, ठीक है, 0.75 आ जाएगा. ये आपका नेट ग्रोथ रेट है. जरा e टू पावर 0.7075 कैलकुलेट करना, तो e के पावर 0.075 कैलकुलेट करना, ये वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखना. तो हाँ जी, कितनी आ रही है, उसको 1.007. ओके, इसको जरा 4000 से मल्टीप्लाई करो. 1.007 है, 1.077 है, इसको 4000 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है, 4000 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं. 4000 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताइए. 4308, तब भी ये वैल्यू आ रही है 4308, तो भी आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है. जो आंसर इन्होंने 5270 दिया है, मैं एक बार इसको देख लूंगा, ठीक है. तो आंसर क्या चीज है क्या नहीं है मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को, सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दूंगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है. नाउ उसके लिए मैं बात करता हूँ कि नाउ हियर, अब इसके बारे में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, इसके लिए परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा किसमें क्या लगने वाला. की में शायद गलत हो सकता है क्योंकि प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है. तो जो भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्यू के बारे में दिया हुआ है, 1 in 11,000 दिया हुआ है. ये क्यू है, रिसेसिव एलील है, क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज 1 in 1100. इसके बारे में बात करते हैं, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगा 1 divided by 1100. इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 1100 का अंडर रूट ले लेना, 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा, और 1100 का अंडर रूट कितना आना चाहिए, 1100 का अंडर रूट जो आना चाहिए वो ऑलमोस्ट आ जाएगा, कितना आपके आएगा, ठीक है. जरा कैलकुलेट करो इसका अंडर रूट कितना आ रहा है, तो 1100 का अंडर रूट कितना आएगा, ये आपका ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास जा रहा है, 33. ओके, 33 है, 1/33 है, ये आ गया क्यू. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस पूछा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे. सो देखना, फ्रीक्वेंसी क्यू पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 32/33. पी यही तो हो जाएगा, अगर हम 1 - q करें तो मैं रख रहा हूं 1 - 1/33, तो ये आ जाएगा 32/33. ये आ जाएगा आपका क्या, पी की वैल्यू, 2PQ सॉल्व कर लो, 2PQ क्या जाएगा, 2 into 32/33 into 1/33. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 64/, ठीक है, कुछ इसको 33 मल्टीप्लाई कर देना, 99 आएगा, एंड 1089, ये आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लोगे वैल्यू आ जाएगी. इज इट क्लियर, 0.058, यस. Is it clear? Hey guys, my name is Viren Singh. So, An Academy पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को with me, Viren Singh on An Academy, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं. अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं. आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो यूज करें रेफरल कोड विद इन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट. वेरियस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 and 7. इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ. प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बाइलिंगुअल आपको मिलते हैं.
इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अन अकेडमी के साथ। 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रीफर कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए। नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनी वेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पर जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हरी अप गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।